हेलो दोस्तों, वेलकम टू यूनिक ऑनलाइन गुरु चैनल और एक्सेल की इस नई क्लास में आप सभी का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फॉन्ट अलाइनमेंट, ठीक है दोस्तों, और नंबर स्टाइल सेल एडिटिंग, ये हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। जैसा कि एक्सेल की पिछली क्लास में हम लोग ने देखा था कि एक्सेल का इंटरफेस क्या होता है, उसमें टैब कहाँ होता है, नेम बॉक्स, फॉर्मूला बार, स्क्रोल बार, ये सब कहाँ कहाँ होता है, ठीक है। आज हम लोग होम टैब का कुछ फीचर देखेंगे कि वो कैसे अप्लाई होता है और क्या काम करता है, ठीक है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉन्ट का। फॉन्ट में जैसे कि आपको ये दिख रहा है, इसको कहते हैं फॉन्ट फेस या फॉन्ट, ठीक है। इसको कहते हैं फॉन्ट साइज, इससे आप साइज बढ़ा सकते हैं। इसको कहते हैं बोल्ड, ये इटैलिक, ये अंडरलाइन। इसको कहते हैं बॉर्डर, ठीक है। ये होता है आपका फिल कलर, ये होता है आपका फॉन्ट कलर, और ये भी होता है फॉन्ट साइज। आइए देखते हैं कि ये सब कैसे काम करता है। जैसे मान लीजिए हमने एक टेबल बनाई है, नेम, पोस्ट, सैलरी, ठीक है। तो अब मान लीजिए हमें इसको बोल्ड करना है, बोल्ड मतलब डार्क ब्लैक में हो जाए, तो इसको पूरा सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बोल्ड क्लिक कर देंगे। देखिए जैसे ही बोल्ड पे हमने क्लिक किया तो ये सब बोल्ड हो गया, एकदम डार्क हो गया, ब्लैक, ठीक हो गया। इटैलिक, इटैलिक में थोड़ा सा ये टिल्ट हो जाता है, मतलब थोड़ा सा टेढ़ा, देखिए देखिए थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, ठीक है। अब अंडरलाइन, अंडरलाइन का मतलब है कि जो भी आप लिखे हैं उसको अंडरलाइन करना है। तो मान लीजिए हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं और अंडरलाइन के यहां पे क्लिक करेंगे तो देखिए सिंगल अंडरलाइन चाहिए कि डबल अंडरलाइन, हमने कहा डबल। तो अब देखिए, अब जो जो लिखा है उसमें क्या हो गया, जितना आपने सेलेक्ट किया था सब में डबल अंडरलाइन लग गया, ठीक है। और आपका ये जो फॉन्ट है ये क्या करता है, ये आपका जो ये लिखा हुआ है इसका फॉन्ट चेंज कर देता है। फॉन्ट नेम कह लीजिए, जैसे मान लीजिए ये अलग अलग है, आप जिस पे भी क्लिक करेंगे, ठीक है, तो उसका जो भी फॉन्ट फेस होगा या जो भी उस थीम का लिखने का तरीका होगा वो आपके फॉन्ट पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। देखिए जैसे जैसे मैं चेंज कर रहा हूं, आप देखिए पोस्ट वाले पे चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत है तो मैं नेम को सिलेक्ट कर ले रहा हूं। अब नेम पे देख लीजिए, एरियल ब्लैक तो एकदम डार्क हो गया, ब्लैक। एरियल राउंड, ठीक है, अल्जीरियन, ठीक। अब फॉन्ट साइज क्या कहता है, ये साइज बढ़ाता है, जैसे 11, 12, 16, 22, 24, 25, तो ये आपका फॉन्ट साइज बढ़ा रहा है। बाय डिफॉल्ट क्या है, 11 है, ठीक है, ये भी आपका फॉन्ट साइज बढ़ाता है, पर ये क्या करता है, स्टेप बाय स्टेप बढ़ाता है। इसमें जैसे देखिए आप इसमें दिख रहा होगा 22 का, फिर 24, 24 का 26, ठीक है, और ये कम करेगा 26, 24, 20, 18, ठीक है। अगर मान लीजिए आपको कोई प्रिस्क्राइब कर देता है कि आपको 22 करना है तो उसके लिए आपको फॉन्ट साइज में जाना पड़ेगा, डायरेक्ट आप 22 पे क्लिक कर सकते हैं, ठीक है। नहीं तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये इंक्रीज और डिक्रीज फॉन्ट साइज से आपको एक एक करके बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो फॉन्ट साइज और इंक्रीज और डिक्रीज सेम काम करते हैं, बस इसमें क्या होता है आप डायरेक्टली नंबर इंटर कर सकते हैं और इसमें स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। अब ये देखिए ये क्या होता है, ये होता है बॉर्डर। ये बॉर्डर आपको कहां लगता है, टेबल पे, सेल पे, जहां कह लीजिए, ठीक है। अब जैसे हमने ये बनाया है टेबल, इसमें हम सेलेक्ट कर ले लिए। अब देखिए बॉटम बॉर्डर मतलब नीचे बॉर्डर लगेगा, ये देखिए नीचे बॉर्डर लग गया है, ठीक है। देखिए दोस्तों नीचे यहां बॉर्डर लग गया है। अब फिर चेंजेस लाने के लिए फिर हमको देखिए जहां पे आपको चेंजेस लाने हैं या फॉर्मेटिंग करनी है या वर्क करना है तो एक्सेल में आपको वो सेलेक्ट करना पड़ेगा, आपको एक्सेल को बताना पड़ेगा कि हमें यहां चेंजेस करने हैं, ठीक है। देखिए बॉटम हो गया, टॉप कर देंगे तो टॉप में लग जाएगा। अब देखिए अब टॉप में भी आपको दिख रहा होगा, ठीक है, बॉटम में भी बॉर्डर दिख रहा है। अब फिर सेलेक्ट कर लीजिए। अब इसमें जो जो ऑप्शन है वैसे होगा, लेफ्ट बॉर्डर, राइट बॉर्डर, नो बॉर्डर,
ऑल बॉर्डर जैसे करेंगे ये टेबल के फॉर्मेट में बन जाएगा, हर सेल में अलग अलग बॉर्डर लग जाएगा। ठीक है, अब ये कलर है, ये फिल कलर है। अब आप जिसको जो कलर फिल करना चाहें, यहाँ छोटे से एरो पे क्लिक करेंगे, जो कलर होगा उसको आप क्लिक करिए, अब वो कलर फिल हो जाएगा। हमने कहा इसको हम येलो करेंगे, फिर इस पे आएंगे, येलो कर देंगे। ठीक है, इसको हम कहेंगे कि ग्रीन करेंगे, ग्रीन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप कलर कर सकते हैं। ठीक है, अब ये क्या है, ये आपका है फॉन्ट कलर। आप जो फॉन्ट लिखते हैं, जैसे बाय डिफॉल्ट ब्लैक में लिखता है, पर आप अगर कोई कलर चूज कर लेंगे तो फॉन्ट उसमें ही लिखेगा। देखिए जैसे हमने ब्लू चूज किया, अब हम लिखेंगे, ये देखिए आपका ए ए ए जो लिख रहा है या जो भी, ठीक है, तो ए ए जो लिख रहा है ये किसमें है, ब्लू में है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग अलाइनमेंट देखेंगे। अलाइनमेंट में देखिए आपका ये टॉप अलाइनमेंट है, ये मिडिल अलाइनमेंट है, ये आपका है बॉटम अलाइनमेंट, ये आपका है अलाइनमेंट लेफ्ट अलाइनमेंट, ये है सेंटर, और ये क्या है राइट अलाइनमेंट। ठीक है, अब अलाइनमेंट देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें अपने रो की साइज थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, जैसे ये बढ़ गया तो अब देखिए इसको सेलेक्ट कर लिए, अब इसमें हम ये लगाएंगे कौन सा टॉप अलाइनमेंट। देखिए जैसे टॉप अलाइनमेंट लगाए, नेम पोस्ट सैलरी आपकी टॉप पे चली गई। ठीक है, साइज नहीं बढ़ाएंगे तो अलाइनमेंट अप्लाई होगी पर वो पता नहीं चलती। ठीक है, ये कर देंगे मिडिल में, ये कर देंगे तो बॉटम में। ठीक है, इससे क्या हो जाएगा, राइट में पहले से है, लेफ्ट में है, सॉरी लेफ्ट में पहले से है, इससे मिडिल में और इससे राइट में। देखिए चेंजेस आपको दिख रहे होंगे दोस्तों। ठीक है, अब ये क्या है, ये भी आपका डिक्रीज इंडेंट है, ये इंक्रीज इंडेंट है, ये आपका क्या करेगा, आपके लिखे हुए कंटेंट को राइट में भेजेगा और ये क्या करेगा लेफ्ट में। ठीक है, पर आपको जहां भी अप्लाई करना, हमने पहले भी कहा था, आपको उसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे ये है रैप टेक्स्ट और एक ये है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या होता है, इसमें देखिए आपको कई अलग अलग दिए हैं, आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा जहां पे अप्लाई करना है, और काउंटर क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज, वर्टिकल, रोटेट, ये सब देखिए अप्लाई करते हैं। ये हो गया देखिए आपका काउंटर क्लॉकवाइज, ठीक है, क्लॉकवाइज हो गया, वर्टिकल हो गया, रोटेट टेक्स्ट अप और रोटेट टेक्स्ट डाउन हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपका जो भी टेक्स्ट आप अप्लाई करेंगे, जिस भी टेक्स्ट को आप सेलेक्ट किए रहेंगे उस पे जो भी फॉर्मेट आप अप्लाई करेंगे वो हो जाएगा। ठीक है, रैप टेक्स्ट क्या करता है, जैसे कि ये आपको दिख रहा है एमएस एक्सेल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये जो लिखा है, ठीक है, ये आपको लग रहा है कि ये एच आई जे के एल में लिखा है, नहीं, पर ये लिखा किसमें, सिर्फ एच में। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे और रैप टेक्स्ट करेंगे ना, तो देखिए पूरा एक ही में आ जाएगा वर्टिकली, वर्टिकली किसमें आ जाएगा, एच में। एमएस एक्सेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अगर आप इसको नहीं करेंगे रैप टेक्स्ट तो ये कैसे रहेगा, पूरा एक लाइन में हॉरिजॉन्टल रहेगा। हम कुछ और भी लिख के दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए एमएस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, अब देखिए एच से ही लिखना शुरू किया, ये एच में ही लिखा है, इंटर कर देंगे। ठीक है, अब इस पे आएंगे, फिर रैप टेक्स्ट करेंगे, तो देखिए एमएस एक्सेल इज अ पार्ट ऑफ एमएस ऑफिस, ये वर्टिकली आपके एच वाले सेल में आ गया, जिसको हम क्या है एच सिक्स में। ठीक है, ऊपर वाला क्या है एच फाइव है, ये भी एच फाइव में आ जाएगा, देखिए। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग ने क्या सीख लिया, फॉन्ट फेस, फॉन्ट साइज, बॉर्डर, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, फॉन्ट कलर, कलर फिल, अलाइनमेंट, रैप टेक्स्ट, मर्ज एंड सेंटर। ठीक है, अब आइए देखते हैं मर्ज एंड सेंटर। मर्ज एंड सेंटर क्या करता है, आपका हेडिंग बनाने में काम आता है। जैसे मान लीजिए इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं फॉन्ट साइज या अलाइनमेंट, तो हम सेलेक्ट कर लेंगे जहां तक हमें चाहिए हेडिंग। ठीक है, और उसके बाद देखिए एरो पे क्लिक करिए, इसमें कई चीजें, मर्ज एंड सेंटर मतलब ये दोनों सेल आपकी 1-2 जो रो है ये मर्ज हो जाएगी, और लिखना कहाँ शुरू होगा, सेंटर से। देखिए जैसे क्लिक किए, अब लिख रहे हैं
तो सेंटर से लिख रहा है आपका, ठीक है। ठीक है, अब इसके बाद क्या है, मर्ज एक क्रॉस है, अब इसमें लिखेंगे, मर्ज एक क्रॉस के लिए भी हम सेलेक्ट कर लेते हैं, यहां सेलेक्ट कर लिए, अब हमने क्लिक किया और मर्ज एक क्रॉस क्या हुआ, सिर्फ ऊपर वाला हुआ, दोनों अलग अलग हो गया, बीच में आपको अंडरलाइन दिख रही होगी, ठीक है, बीच में देखिए मर्ज हो गया है, पर बीच में आपको ये बॉर्डर दिख रहा होगा, इसको हम ऐसे दिखा देते हैं, ठीक है, देखिए बीच में ये अंडरलाइन आपको दिख रही है बॉर्डर, और ऊपर वाले में क्या था, मर्ज एक क्रॉस, मर्ज एंड सेंटर में क्या था, आपको वो चीज नहीं दिख रहा था, ठीक है। अब इसके बाद क्या है, मर्ज सेल, ये सेल को मर्ज कर देता है, जैसे ये दो सेल है, ये सेल को मर्ज कर देगा, ठीक है। और इसके बाद क्या, अनमर्ज सेल, तो जो सेल आपने मर्ज की थी उसी को ये अनमर्ज कर देगा, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।